स्वर्गीय वामनराव बर्डे स्मृति लोक सेवा प्रतिष्ठान व डायग्रो हेल्थलेस सर्विसेज द्वारा मुफ्त महाआरोग्य शिविर व हेल्थ कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य यही है कि जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसलिए इस महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था। ऐसा आयोजक नरेश बर्डे द्वारा बताया गया है। आइए डालते हैं एक नजर। स्वर्गीय वामनराव बर्डे लोक सेवा प्रतिष्ठान एवं डायग्नो प्लस द्वारा जो है महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है, साथ ही हेल्थ कार्ड वितरण यहाँ किए जाने वाला है। हमारे साथ साधना बर्डे जी है, हम उनसे जानेंगे। ठीक है, हमारे साथ नरेश बर्डे जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो आज इतना बड़ा आयोजन किया गया है महा आरोग्य शिविर का, इसके पीछे का प्रयोजन उद्देश्य क्या है। स्वर्गीय वामनराव बर्डे लोक सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से पिछले 10-12 साल से हम ये जो जनता जनार्दन की सेवा का कार्यक्रम होते रहता है, इसमें बहुत प्रकार के, मगर ये महा आरोग्य शिविर जो आज कोरोना काल में गौर गरीब लोगों की हेल्थ के बारे में जो प्रॉब्लम हुआ वो देखते हुए, उनको आज एक पैथोलॉजी की टेस्ट बोले तो उनको उनके पैसे का बजट बिगड़ता था, वो बजट को देखते हुए हमने ये सोचा क्या डायग्नो प्लस हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से हमने यहाँ डिसाइड किया कि ये लोगों तक अब ये जानकारी पहुँचाना चाहिए, और उस जानकारी को हम अभी आज सब जनता के सामने कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज दे रहे हैं। आज डायग्नो प्लस और स्वर्गीय वामनराव बर्डे के माध्यम से हम यहाँ लोगों का हेल्थ चेकअप कैंप चालू है। या हेल्थ कार्ड वितरण भी किया जाने वाला है, हेल्थ कार्ड में कौन सी सुविधा जो है नागरिकों को देने वाले हैं वो आप क्या बताओ। स्वर्गवासी वामनराव बर्डे लोकसेवा प्रतिष्ठानतर्फे आम्ही असे बरेच शिबिर इथे आयोजित केलेले होते, पण हे शिबिर विशेषतः आरोग्यासाठी आपण इथे सेवा देत आहे। तर शिबिरामध्ये आपण फ्री कार्ड देणार आहे, ते 5 वर्षाकरता ते आपल्याला उपयोगी पडेल, आणि विशेष म्हणजे एका कार्डवर घरातील 5 व्यक्ती त्याचा उपयोग घेऊ शकेल। डायग्नो प्लस की जो है मतलब इसमें पार्टनरशिप है, और उस द्वारा जो है डायग्नो प्लस की पार्टनरशिप सहयोग से जो है आज जो ये शिविर हो रहा है उसके द्वारा विविध टेस्ट यहाँ किए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड वितरण किए जाने वाला है, उसके बारे में डायग्नो प्लस की क्या भूमिका है इसमें। मैम जैसे हेल्थ कार्ड जो है हमारा एक्चुअली प्राइज होता है हेल्थ कार्ड का, बट सर ने वो फ्री हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी जनता में। उस हेल्थ कार्ड के थ्रू अगर आप पैथोलॉजी सर्विसेज लेते हैं हमारे सेंटर्स में आके, ऑलरेडी 13 सेंटर्स नागपुर में हमारे ओपन हो गए, वहाँ जाके आप पैथोलॉजी सर्विसेज लेंगे आपको अप टू 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड होता है। मैम रेडियोलॉजी सर्विसेज, यू नो दैट MRI सिटी स्कैन कितने हाई रेट होते हैं, बट हमारे कार्ड के थ्रू आप जाएंगे तो आपको अप टू 25% का डिस्काउंट होता है। रेडियोलॉजी सेंटर्स हमारे पैनल में रेनबो, मेडिनोवा, स्पेक्ट्रम, सारदा, ऐसे काफ़ी सेंटर्स हैं जो हमारे पैनल्स में। सेम मैम मेडिसिन, आपको ही पता है शुगर मेडिसिन हो, ये जो डेली बेसिस पे लोग मेडिसिन लेते हैं वो कितनी हाई रेटेड होती है, बट हमारे कार्ड के थ्रू आप जाएंगे ब्रांडेड में आपको 12% मिलेगा ऑफ, और जेनेरिक में 70% ऑफ मिलेगा। तो मतलब हर चीज़ों में, हर एक सर्विसेज में हमने कस्टमर के लिए डिस्काउंट रखा है, इवन 5 ईयर्स तक वैलिड है, 5 साल तक आप अनलिमिटेड सर्विसेज ले सकते हैं हमारे कार्ड के थ्रू। तो हमने देखा कि यहाँ जो है महा आरोग्य शिविर और हेल्थ कार्ड वितरण का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बहुत ही लाभदायक ये नागरिकों के लिए कार्यक्रम है। हमने देखा कि आज जो है कोरोना के बाद बहुत सारी बीमारियां जो है बढ़ने लगी है, और कई टेस्ट हमें करवाने पड़ते हैं, तो उसी के हिसाब से जो है ये आरोग्य शिविर और ये हेल्थ कार्ड बहुत ही लोगों के उपयोग में आने वाला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, 20 न्यूज़ नागपुर।